मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में गायघाट प्रखंड की दहिला पटशर्मा पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। दहिला पटशर्मा के पैक्स अध्यक्ष राजेश रंजन ने डीएम को मिथिला पेंटिंग भेंट की। वहीं मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में उपविकास आयुक्त अपर समाहर्ता एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी ने अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी आमजनों को दी। जिला पदाधिकारी ने कहा कि आमजनों तक सरकार के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को वास्तविक रूप से जमीन तक पहुंचाने और उनमें आ रही समस्याओं को जानने का जनसंवाद एक सशक्त माध्यम है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच सके। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारी व कर्मी हमेशा तत्पर हैं। सरकार की दृढ़ इच्छा और प्रशासकीय प्रयास की बदौलत ही हर गांव को बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। स्वच्छता मिशन के तहत गाँव में भी शहर की तरह घरों से कचरा का उठाव भी हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी बल मिला है। बीडीओ डॉक्टर संजय कुमार राय ने कार्यक्रम का संचालन किया। मौके पर डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, डीपीआरओ नवीन कुमार, डीपीजी चांदनी सिंह, सीएससी शर्मा एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में सब लोगों को जानकारी मिले और यदि इस गाँव में कोई समस्या है तो उसके बाद लोगों के बीच जागरूकता का कार्यक्रम ऐसे हॉल के माध्यम से क्या कुछ दर्शाया जा रहा है। और स्टॉल मुख्य रूप से वैसे ही योजनाओं का लगा हुआ है जो मुख्य रूप से पब्लिक के जैसे राशन कार्ड की बात उस स्टॉल के माध्यम से भी पैम्फलेट्स पैम्फलेट्स के माध्यम से चल रही है इनके माध्यम से। सर ये ब्लॉक वाइज होगा या पंचायत वाइज? ये लगातार चल रहा है, ये तो डिफरेंट ब्लॉक्स में पदाधिकारियों के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पर आए लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज जेड न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।